Hi, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is part 12. So in this part we are going to texting our shield. So let's get started. So as you can see के texture जो है वो already मैं bake कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं. And we are getting good detail. ये जो ZBrush के हमने जो damage sculpt किया था ZBrush में, वो काफ़ी अच्छा बेक हो गया है. आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट. और ये जो आपको लेट से कि ये ग्लिचेस और आर्टिफैक्ट से आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए है कि हमारी जो शील्ड है वो काफ़ी लो पॉली है, जो कि हमारा टारगेट भी था. जिस तरह ये देखें आप, ये जो आपको स्मूथ सी राउंडनेस नज़र आ रही है, बेसिकली वो हाई पॉली शील्ड है. और हमारी ये जो आर्टिफैक्ट है ये काफ़ी एजी सी है, तो इस वजह से ये बेहतर मैच नहीं हुए और उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है. लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट. बाकी आप देखें और रिजल्ट देखें तो वो काफ़ी बेहतर जो है वो स्कल्प्ट हुआ है. और टेक्सचरिंग के हवाले से जो है वो मैंने नेट पे जो है वो काफ़ी सर्च की है, तो सबसे इंस्पिरेशन ली है काफ़ी, जो मैंने रेफरेंस वगैरह देखे हैं और मेरे माइंड में काफ़ी कुछ है और मैं उसी को ही लेके चलूँगा उसी के साथ ही. सो आप हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल आप इंटरनेट पे देखें, सर्च करें और आपको जो भी पसंद आता है, और माइट बी पॉसिबल कि आपको डिफरेंट कोई पसंद है, ये पसंद ना है, तो आई मस्ट से कि जस्ट गो अहेड. और क्योंकि जो ये ट्यूटोरियल्स हैं इसके बनाने का बेसिकली मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड जो है वो बताना है, वो सिखाना है, वो समझाना है कि आप अपने प्रोजेक्ट में और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट टेक्सचरिंग. सो सबसे पहले तो जो है वो इस लेयर को किल करते हैं. आई डोंट नो कि ये क्यों मुझे रहता है सब्सटेंस. और ये जो शील्ड है इसका जो थीम हमने रखा है वो बेसिकली ये वाइकिंग शील्ड है, और ये जो है ये काफ़ी यूज़ हुई है रफली बैटल्स वगैरह में. सो उसी थीम को जो है वो हम लेके आगे चलेंगे. सो यहाँ पे टाइप करते हैं जी वुड, और ये वुड रफ है और ये मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज़ कर चुका हूँ. सो आई थिंक कि ये काफ़ी जो है वो अच्छा जो है वो हमें आउटपुट देगी जो हमें चाहिए. और इसको देख लेते हैं. और सबसे पहले ये नोटिस करें इसके जो ये पैटर्न है, ये जो ये बेसिकली थोड़े से अलाइन कर लेते हैं इसके साथ, और उसके लिए ये रोटेशन है इसको हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा. और लेट्स से के यहाँ पे लेट्स से 71 आ रहा है, लेट्स से राउंड नंबर कर लेते हैं 70. और आई थिंक के आई एम हैप्पी विद दैट. और इसके अंदर लेट से राइट क्लिक, एड ब्लैक मास्क, प्रेस F4 ऑन योर कीबोर्ड और सेलेक्ट ये जो यूवी फिल है, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो नीचे वाला भी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और आप क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज यू लाइक. ठीक है जी. और यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो है हमें चाहिए यहाँ पे मेटल. सो लेट्स गो अगेन, और इधर जो है हम इसको क्रॉस करके ख़त्म करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं जी मेटल, और लेट्स सी के सब्सटेंस के जो मटेरियल हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं हमें. और इधर हम आते हैं और देखते हैं लेट्स से. ओके, ये एक आयरन रॉड डैमेज एक ये है. आई डोंट थिंक के ये कोई आउटपुट देगा हमें. लेट्स सी के देख लेते हैं. ऑब्वियसली ये नहीं चाहिए हमें, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं. लेट्स से कि हम स्मार्ट मटेरियल में चलते हैं और स्मार्ट मटेरियल में देखते हैं कि स्मार्ट मटेरियल जो है वो बेसिकली हमें जो क्या ऑफर कर रहे हैं. ओके, ये डॉग्स की आवाज़ आ रही है बाहर से. ये इंजॉय हो रहा है इनका भी. अच्छा जी. ओके, ये एक आयरन फोर्ज्ड ओल्ड है, ऐसे इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं जी ये क्या ऑफर कर रहा है हमें, क्या आउटपुट देता है हमें. और ऐसे के काफ़ी बेहतर है ये.
लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ ये भी काफी अच्छा है, इसमें भी काफी जो है रफ लग रहा है ये भी जिस तरह ये है। लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली जो मेरे माइंड में चल रहा है वो है नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्रंज वगैरह इस तरह का कुछ थोड़ा सा कलर वेरिएशन वो चीजें ऐड हो, ताकि हमें ज्यादा कोई ना एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए कोई, उसके बाद हम चलें जरा। लेट्स से जी इसको भी लिस्ट में रख लेते हैं और देखते हैं। ये आयरन ओल्ड है जी, ओके। चाहे इसमें हमें ये ग्रंज वगैरह रस्ट और ये चीजें मिलें, लेट्स से किसको ट्राई करते हैं। ओके एग्जैक्टली देखिए इसमें हमें काफी कलर वेरिएशन भी मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट तो यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है, तो अगर हम देखें तो इसमें हमें ये ग्रंज वगैरह और ये जो आप देखें यहाँ पे जो मैं नोट कर रहा हूँ अभी, ये देखें ये चीज़ें तो इसमें काफ़ी डिटेल मिली है। लेट्स से कि हम इसी के साथ ही चलते हैं और इसको हम किल कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। और थोड़ा सा जो है मैं ये जो बेसिकली यहाँ पे कर्वेचर ये यूज़ कर रहा है, अगर यहाँ पे हम देखें जिस तरह ये नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। होपफुली इसमें जनरेटर यूज़ किया होगा इसने और उसी को ही मॉडिफाई करते हैं। फोल्डर ओपन करते हैं, ये चलते हैं इस मास्क में और ओके ये मेटलाइज वेयर इसने यूज़ किया हुआ है। इसमें जाते हैं और लेट्स से कि सबसे पहले हम एक तो ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो चीज़ें बेसिकली देखेंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं जी ये क्या हमें ऑफर कर रहा है। यहाँ ये देखें आप ये भी और ये भी, ये आप देखें यहाँ पे लेट्स से कि इसको मैं राउंड नंबर से खेलते हैं 0.9 करता हूँ, और ये नोटिस करें आप ये काफ़ी ये देखें ये इसने जो है वो कर दिया ग्रंजी ग्रंजी सबसे, काफ़ी रफ सी फीलिंग बीच में आ गया। लेट्स से फिल वक्त 0.9 के साथ चलते हैं और ये काफ़ी वाइट वाइट यूज़ हुआ है, तो मैं इसका कलर भी जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको ये मैं वाइट कर दूँ प्योर तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ये देखें ये काफ़ी वाइट कर दिया। लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा डल की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा और लेट्स से कर देते हैं डल, वाई नॉट, थोड़ा और लेट्स से कि यहाँ पे इसको ओके करते हैं और लेट्स एड ब्लैक मास्क और इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यूवी फिल जो है ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा टूल, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये रह गया हमारा, ये रह गया, ठीक है जी। और इसको देख लेते हैं, ठीक है जी, और डोंट फॉरगेट के इसके हमें ये अंदर का पार्ट भी रहता है क्योंकि मैंने इसको अनरैप किया है तो मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मैंने सीम जो है वो कहाँ पे दी थी, ठीक है जी। और लेट्स से इसको एक दफ़ा वायर फ्रेम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ताकि हमें कोई थोड़ी सी फील आ सके ये क्या फील दे रहा है। तो आई थिंक के आई एम हैप्पी विद द आउटपुट जो राइट नाउ जो अभी हमें मिली है। और लेट्स से के ये हमारा हो गया और मैं बेसिकली यहाँ पे जो है वो दो कलर यूज़ करूँगा, काफ़ी पैटर्न मैंने देखे हैं तो उस हवाले से। लेट्स से किस तरह रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल सॉरी बोल रहा हूँ ट्राइंगल उस टाइप के, तो लेट्स से कि यहाँ जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो हमने लेना नहीं है, तो एक फिलियर ऐड करते हैं। और आई नो कि मैंने दो कलर्स यूज़ करने हैं तो मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, इसकी एक कॉपी ले लूँगा ऑब्वियसली, और इट्स अ गुड आइडिया कि हम इसको क्यों ना फोल्डर में डाल लें ताकि हमें अगर कोई जनरेटर वगैरह या कुछ यूज़ करना पड़ेगा तो हमें इंडिविजुअली इनको टैकल ना करना पड़े, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे कि इसको मैं यूज़ कर देता हूँ जी RET रेड, क्योंकि आई नो कि मैंने रेड यूज़ करना है, और यहाँ पे करता हूँ ब्लू, ठीक है, मुझे ये यूज़ करना है। और फिल लेयर की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि आप किसी टाइम पे भी जो है वो इनको चेंज कर सकते हैं व्हेन एवर यू वांट।
एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, ये सबसे खूबसूरत बात है। तो अभी हम बेसिकली इसका बेसिकली सबसे पहले जो है वो सबसे पहले तो मुझे इसमें जो है वो यूज़ करना है जी कलर और रफनेस, सिर्फ ये दो चीज़ें हमने यूज़ करनी है। उसका कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से थोड़ा सा समथिंग लाइक वो, अभी ये नज़र नहीं आ रहा इसलिए ये ऊपर वाली लेयर ऑफ करते हैं। तो अभी हमें आइडिया हो रहा होगा कि हमने किस टाइप का ब्लू जो है वो यूज़ करना है बेसिकली। थोड़ा सा इसमें आएंगे और ऐसे कि इसके साथ ही अभी चलते हैं, हम किसी वक्त में भी चेंज कर सकते हैं, नो इशू। तो इसको करते हैं और इसको मैं दोबारा कलर और रफनेस, सिर्फ ये दो चैनल यूज़ करना है मैंने, और इसको मैं रेड की तरफ लेके जाता हूँ। लेट्स से कितना रेड मुझे चाहिए वो थोड़ा सा रफली आइडिया लगा सकते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। और इसको फोल्डर को नाम देते हैं, लेट्स से जी पेंट और पैटर्न, कुछ भी जो आपको इजी लगे और आपको याद रहे, ये आपके अपनी ईज के लिए। और ओके, और अब जिस मकसद के लिए ये वुड रफ मैंने यूज़ की थी वो अभी इसमें ब्लैक मास्क ऐड करते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे जी एक जनरेटर, और जनरेटर में लेट से हम जाएंगे जी, हम कहते हैं जी मेटल एच हमें दे रहा है, ठीक है जी। और जैसे ही हमने मेटल एच किया है तो आप यहाँ पे देखें तो मेटल एच ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, जो मेटल एच का काम है। सिर्फ एक चीज़ हमने करनी है, हमने यहाँ पे इसको करना है इनवर्स, ताकि हमें इस वुड का जो है वो हमें इसमें मिल सके मेटल एज में। अब यहाँ पे हमने वेट लेवल के साथ खेलना है और देखना है कि हमें कितना जो है वो ये अमाउंट चाहिए। यहाँ पे आपने देखना है, ये बढ़ा रहा हूँ मैं, और हमें कितना चाहिए देखें, अभी ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लेट्स से कि फिलहाल आई एम हैप्पी विद दैट, और बाद में हम ऑब्वियसली इसको मॉडिफाई कर लेंगे जैसे भी करना चाहे। यहाँ पे जो है ये वीडियो अपना ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे अपनी टेक्सचरिंग को। तो तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनुमा का और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।